सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन अली आफंदी को कराची में कत्ल कर दिया गया। जैन अली आफंदी को मजार कायद के सामने घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू दरवाज़ा तोड़कर जैन आफंदी के बेडरूम में दाखिल हुए। एआरवाई न्यूज़ ने मुलजमान के आने और जाने की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नज़ीर, हम ये फुटेज भी दिखा रहे हैं, पुलिस ने भी डिटेल बताई है, क्या कहिएगा? देखिए, मजमूई तौर पर इस वारदात में छः डाकू जो छः मुलजमान थे, ये मुलविस थे और ये सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते का घर था और दरवाज़ा तोड़कर जैन हसन आफंदी के बेडरूम में मुलजमान दाखिल हुए और उन्होंने मुंह में गोलियां मारकर कत्ल किया और फरार हुए। ये सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुलजमान करोला कार में रात 3:25 गली में दाखिल हुए और मुलजमान ने गली में गाड़ी की लाइट बंद करके पहले खड़ी की और दो मुलजमान ने दीवार कूदी। फुटेज देखा जा सकता है, जबकि 5 मुलजमान 55 मिनट तक घर के अंदर मौजूद रहे और घर में दाखिल होने के बाद इनका साथी गाड़ी गली से बाहर लेकर चला गया और गाड़ी हटाने का मकसद पुलिस के गश्त के दौरान शक या चेकिंग से बचना था और मुलजमान की जानिब से कॉल करने पर इनका साथी 4:21 पर दोबारा गली में गाड़ी लेकर आया और मुजाहमत जो जैन हसन आफंदी जब अंदर थे उनकी इनसे मुलजमान से मुजाहमत हुई, जिस पर उन्होंने इनके मुंह के ऊपर 3 गोलियां मारी और वारदात के वक्त घर में जैन आफंदी के अहल खाना और मुलाजमीन मौजूद थे। जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि डाकुओं ने घर में मजमूई तौर पर 6 गोलियां फायर की और वारदात में 2 मोबाइल फोन और तलाई जेवरात भी लूटे गए और जैन हसन आफंदी IT और फूड कंपनी भी चलाते थे, जबकि इनकी जमीनें भी थी और दादू में जिम्मेदार भी थे। इनके कत्ल के बाद वजीर आला सिंह की जानिब से भी इनके घर आमद हुई है, उनकी जानिब से अहल खाना से ताजियत भी की गई है। जी नजीर, बहुत शुक्रिया। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.